गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज निकल पड़े हम आज वापस से एक मॉर्निंग पे, और ये भी ज़बरदस्त मॉर्निंग होने वाली है। कुछ ज़बरदस्त जगह पर हम लोग जाने वाले हैं। अभी बजे हैं मॉर्निंग के करीबन 6 बजे हैं, और 6 बजे मैं निकल चुका हूँ डांग के इन घने जंगलों की तरफ। और आज बहुत सारी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं आज के पूरे दिन में। डांग के अंदर काफ़ी सारी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की जगह हैं, क्या है, कैसे हैं। क्या शानदार यार नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। गाड़ी जा रही है करीबन 70 की स्पीड पे। सूरत से करीबन मैं आ गया हूँ 25 किलोमीटर के आसपास दूर, और फिर आगे हम जाएंगे खड़सुपा, और खड़सुपा से हम लोग लेंगे थोड़ा सा इंटरनल रास्ता, और वहाँ से फिर आगे चलेंगे हम सरा नाम की एक जगह पर। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, वहाँ पर नदी है, चट्टाने हैं, और उन चट्टानों का कुछ मज़ा ही कुछ और है। सो चलिए चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सो अभी हमने नवसारी को क्रॉस किया है, अब नवसारी से आगे की तरफ आ रहे हैं, और अब आएगा आगे एक टर्न। सो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ से मुझे उसको काटना है। खड़सुपा की तरफ से अपने को आगे लेना है। ये देखिए ये बोर्ड आ गया यहाँ पे, खड़सुपा 00। ओके, सो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं अंदर की तरफ। नीचे ले लिया हमने, और ये हमने अंदर की तरफ ले लिया। ये है एक अंबिका रिवर जो हमें बीच में मिली, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मुझे रुकने का मन कर गया यहाँ पर, क्या खूबसूरती है यार। ये देखिए बहुत ही शानदार, जो मैं देख पा रहा हूँ शायद आप भी वही देख पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो मैं नेचुरल आँखों से देख रहा हूँ, और जो नेचुरल सीन्स हैं वो, और कैमरे के कलर में हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन हो, लेकिन बहुत ही शानदार है। यहाँ से हमको लेना है अंदर। सो यहाँ से हम लोग अंदर आ गए, जैसा कि आपने रोड पे देखा, और अब हम लोग जा रहे हैं और इंटरनल जंगलों के अंदर। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस जंगल में। सो दोस्तों अभी हम चलेंगे इधर थोड़े से नदी के किनारे पर। ये जो सीन और जो है ना, बहुत ही शानदार है। अगर आप यहाँ पर आते हैं और 2-3 घंटे का टाइम अगर यहाँ पर देते हैं, तो आपको यहाँ पे जो बैठने का जो मज़ा है वो कुछ और ही आने वाला है। सो चलिए मैं आपको थोड़े से और अलग अलग शॉट्स यहाँ के दिखा देता हूँ कि किस तरह की ये पूरी की पूरी लोकेशन है। यार अकेले अगर, समझ लो ये 2 गाड़ियाँ नहीं होती, और अकेले मुझे अगर रात को चलाना होता तो बहुत ख़तरनाक रास्ता है यार, डर लगता मुझे तो। और मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं 20 किलोमीटर ऐसे रास्ते पर बाइक लेके जाऊं। सो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप बाइक पे हैं तो रास्ते थोड़े से ख़राब हैं, और जंगल का रास्ता है, गाड़ी घोड़े हैं, कल को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए आप, कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता कैमरा में, लेकिन पूरे रोड की हालत ख़राब है। देखो बाप, कितना डैमेज हुआ है यार, पूरा रोड डैमेज हुआ है। महल जाने का रोड रात को बहुत खतरनाक सा लग रहा है भाई साहब, बहुत डरावना रोड है यार, एकदम छोटा इतना।
मॉर्निंग दोस्तों, अब मैं यहाँ पर, वो भी मॉर्निंग, और मॉर्निंग के बज चुके हैं करीबन 7 बजे हैं। हम लोग फ्रेश हो गए हैं एकदम से, और अभी मैं दिखाता हूँ इस महल कैंप साइट को। और मैं हूँ यहाँ पर महल की कैंप साइट में, और ये है हमारा रूम जो हमको अलॉट हुआ था। सो हमने इसको प्री बुक किया था करीबन 2500 रुपये में, 4 की ऑक्यूपेंसी हमें यहाँ पर मिल चुकी है। और आपको और महल की कैंप साइट दिखाऊँ तो बहुत ही शानदार और सुंदर नज़ारा है आज की इस मॉर्निंग का, और मुझे लगता है कि आपको भी ये जो नज़ारा है वो काफ़ी पसंद आने वाला है। पीछे मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनका जो शूट है वो चालू है ऑलरेडी। सो यहाँ पर इस महल कैंप साइट की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर मिलता है आपको एक रिवर पॉइंट। लेकिन यहाँ पर कुछ महीने पहले एक हादसा होने की वजह से यहाँ का जो रिवर का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। सो आप रिवर का लुफ्त तो यहाँ से, इस कैंप साइट से नहीं उठा सकते। बाकी ओवरऑल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये है महल की कैंप साइट। वेलकम महल इको टूरिज्म कैंप साइट। अब जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है कुछ इस तरह का नज़ारा। सबसे पहले यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा ये ट्री हाउस, जो ट्री पे बना हुआ है कंप्लीट। यहाँ पर होता है कुछ कैफेटेरिया है, वॉशरूम्स हैं, डांगी हट्स 1-10, वाटर हाउस एंड रिक्वेस्ट कैंप फायर। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो कैंप फायर भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये यहाँ की कैंटीन, वो भी बंद है। सो यहाँ पर जो लोकल स्टाफ है उनसे बात करके हमें पता चला कि यहाँ पर ये जो डांगी हट्स हैं, ठीक है, वो जो हट्स हैं उसके अंदर आप 4 की ऑक्यूपेंसी ले सकते हैं, करीबन 1200 रुपये की रेट है। जहाँ पर हम रुके हैं वो करीबन 2500 की रेट है। टोटल 18 रूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि आपको प्री बुक करने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पर बाय एक्सीडेंटली बिना बुकिंग किए हुए आ जाते हैं तो अगर अवेलेबिलिटी होती है तो ये यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। हर एक रूम के अंदर यहाँ पर टॉयलेट एंड बाथरूम अटैच्ड हैं, कॉमन के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 3 तरह की मिल जाती है। एक तो डांगी हट मिल जाता है, एक ये जो सूट रूम है पीछे आप वाइट कलर का देख रहे हैं एक वो मिल जाता है, और एक लॉन्ग हट जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं वो आपको मिल जाता है। सो ये है कंप्लीट कैंप साइट। यहाँ पर एडवेंचरस एक्टिविटी होती थी लेकिन कुछ हादसों की वजह से अभी फ़िलहाल इसको बंद किया गया है टेम्प्रेरी, और जो रिवर का व्यू है उसको भी बंद कर दिया गया है। सो यही है कम्प्लीटली एक पूरी की पूरी कैंप साइट जो मैंने आपको विजिट कराई है। ओके, चलो बाय बाय। चलो सो अभी मेरा टाइम हो गया यहाँ से निकलने का। मेरे फ्रेंड्स और ये लोग आज यहाँ पे और रुकने वाले हैं। चलिए दोस्तों, कैंप साइट हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम निकलते हैं वहाँ की तरफ में जा रहा हूँ। कोस्मल वॉटरफॉल मटे कयो रस्तो पकड़ो कई जाऊ वॉटरफॉल सीधो पकड़ो न ओ एक और गाड़ी पूरे पहाड़ों पे चढ़ गए हम लोग कोस्मल पे इस धुंध को देखने के लिए वॉटरफॉल को देखने के लिए। अरे बाप रे बाप, आ हा हा जोर लगा रही है मेरी गाड़ी, लगा 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 यामाहा, जोर लगा। कितना पो हाँ 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 बाइक लें 30 ना 20 आले बहुत खतरनाक रास्ता है। आगे के ब्रेक पे उतार रहा हूँ नीचे, बहुत खतरनाक है। पीछे वाला ब्रेक तो काम ही नहीं लगेगा मेरा इसमें। फाइनली उतारा यहाँ तक, बहुत दबा के रखना पड़ा था। बीच में से निकालूँ
कि यहाँ से निकालो। फाइनली निकल गई। इट्स वेरी रिस्की यार, दैट इज ऑफ रोड। हालत खराब हो गई मेरी तो। उतार लेंगे, लेकिन चढ़ेगी क्या? सो दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर हम आज से कुछ टाइम पहले गर्मी की टाइम के अंदर यहाँ पर आए थे। यहाँ पर हमने स्टे किया था, यहाँ पर हमने हमारा टेंट लगाया था। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे रहा हूँ, जाके ज़रूर देखिएगा उसको, उस माल को। और आज देखिए वो वीडियो और इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चेंजेस हो गया है, कंप्लीट चेंज। ये वाला एरिया भी कैसा था एकदम। और अभी देखो पानी है यहाँ पे, हम लोग बैठे थे, अभी देखो यहाँ चारों तरफ पानी है। तो ये है कुसमल का वाटरफॉल पूरा कंप्लीट। वो देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो वो छोटा सा है, और बड़ा वाला तो आपको पता है कहाँ पर है। तो अभी हम उधर भी चलेंगे बड़े वाले की तरफ। सो चलिए एक बार चलते हैं नीचे। वैसे यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं दिख रहा मुझे, और वाटरफॉल को देखेंगे थोड़ा सा नज़ारा यहाँ पर, फिर चलेंगे यहाँ से। ये देखिए, अब सोचो कि नीचे जाने का मज़ा क्या होगा। यहाँ से नीचे जाने का भी है, जहाँ से ये पूरा का पूरा जो वाटरफॉल है वो गिरता है। ये सब हेड्स हैं, और हमको एक्चुअल जो बड़ा वाला वाटरफॉल है वो यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ से सीधा जाता है नीचे की तरफ। बात रुका, और नीचे उतरने का जो है वो अलग से रास्ता है, लेकिन उतना टाइम हमारे पास में नहीं है। मज़ा आता है यार, फुल पैसा वसूल, टाइम वसूल। वाह, उस टाइम पे तो एकदम सूखा सूखा हुआ था। तो चलिए निकलते हैं उसी रोड से। यस, ये चढ़ा दिया। तो सूरत जाने के लिए हमें वापस से वही जिस रास्ते से आए थे हम लोग, वही रास्ता हमें पास में पड़ेगा ऐसा बताया गया है। सो हम लोग बाड़ोली होते हुए निकल जाएंगे। सो ये जो ट्रिप है ओवरऑल मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय है, बहुत ही यादगार ट्रिप है, बहुत ही ज़बरदस्त रही, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेसेस हमने देखे, और मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे यहाँ के प्लेसेस और ये सब। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, कौन सा प्लेस आपको वन ऑफ द बेस्ट लगा और क्यों लगा वो भी मुझे बताइएगा। और अगला वीडियो आप कहाँ का देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कई नई प्लेसेस और कुछ नए एडवेंचर्स के साथ में। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इन वीडियोस को देखने के लिए। हम चलते हैं सूरत की तरफ अब डायरेक्टली बिना स्टॉप के, और धन्यवाद। जय हिंद।